बात करें यहाँ पर यूके तिब्बत की भर्ती परीक्षा को लेकर, तो ये सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। इसमें कहा गया कि युवाओं की जो है अहद नहीं होने देंगे और भर्ती परीक्षा यहाँ पर कराएंगे। तो यहाँ भर्ती परीक्षा पर कोई भी यहाँ पर जो है रोक नहीं होगी। और इसको लेकर जो है बताया गया कि यहाँ पर जो है परीक्षा कराने को लेकर सीएम ने दूसरे आयोग का जो है यहाँ पर जो है सहयोग लेने के संकेत दिए हैं। और पेपर लीक मामले में जो है आरोपों पर जो है गैंगस्टर एक्टिविटी लागू होगा और 83 लाख रुपये यहाँ पर जो बरामद किया गया है। और 15 को जो है यहाँ पर सम्मानित करेंगे एसटीएफ। और वहीं यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है अगले महीने यहाँ पर हो सकती है इनकी विदाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एस राज्य के बाद इनके यहाँ पर जो है जो सचिव हैं संतोष बड़ोनी, उस उनका यहाँ पर जो है अब वहाँ से हटा दिए जा सकते हैं। इसको लेकर जो है बताया गया कि स्नातक स्तरीय परीक्षा लीक प्रकरण में यहाँ पर के बीच जो है अध्यक्ष एस राजू इस्तीफा देने के बाद जो है अब सचिव संतोष बड़ोनी की भी विदाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो है सितंबर में जो है इस पद पर जो है उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर पूरी होने जा रही है। तो प्रतिनियुक्ति होने की वजह से यहाँ पर जो है उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर दरअसल संतोष बड़ोनी सचिवालय सेवा समर के अफसर हैं। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि वह जो सचिवालय में जो है संयुक्त सचिव के पद पर यहाँ पर हैं। और पिछले 4 साल में वह जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर जो है बतौर सचिव जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो है विवाद के चलते यहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी होने जा रही है। और हालांकि जो है अब तक जो है इस संबंध में कोई जो है आदेश नहीं हुए हैं ऐसा बताया गया है। और संतोष बड़ोनी का कहना यह है कि सितंबर में जो है उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर पूरी हो रही है। उसके बाद जो यहाँ पर सरकार है जो भी है उन पर जो है जिम्मेदारी सौंपेगी ऐसा बताया गया है। वो जो है उनका निर्वाह करेंगे ऐसा यहाँ पर कहा गया है संतोष बड़ोनी के द्वारा। इनकी अगले महीने सितंबर में जो है इनका हो सकता है कि प्रतिनियुक्ति वहाँ पर कर दिया जाए।